आगरा के एतमादपुर विधानसभा 86 से डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने जिला कलेक्ट्रेट पर कोरोना नियमों का पालन करते हुए नामांकन किया। इस दौरान आगरा महानगर अध्यक्ष भानु महाजन मौजूद रहे और इसके साथ ही डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी लोगों को बताया। हमारी तैयारियां पूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, सिद्धांत है, उनके साथ साथ हमारे क्षेत्र का विकास हमारी प्राथमिकता है। अभी हमारे क्षेत्र में नहरें पक्की होनी है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था की ज़रूरत है, साथ ही साथ खेल के मैदान, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हमारा विकास का लक्ष्य पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। लगातार देखा जा रहा है कि कहीं कोई विरोध या कहीं जैसी कोई बात नहीं। हमारे भाई हैं, प्रयास करूंगा उन्हें मनाने का, जाऊंगा उनके घर उन्हें मनाऊंगा और राजनीति में सब जायज है और मेहनत करूंगा। तो क्या, क्या मुकाबला किससे मानते हैं बाबा? तो जनता का प्यार होता है, तो जनता का प्यार है इस मारे जनता का प्यार है इस मारे मुकाबला किसी से नहीं है। जनता का आशीर्वाद है, जनता आशीर्वाद देगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। जीत का क्या अंतर रहेगा? ये जनता तय करेगी, ये जनता के हाथ में है, जनता तय करेगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का रण अपने रंग पर है। आगरा में भी नामांकन किए जा रहे हैं, प्रथम चरण का नामांकन शुरू हो चुका है। आगरा में नामांकन के लिए प्रत्याशी पहुंच रहे हैं, अभी हम आगरा कलेक्ट्रेट पर मौजूद हैं। ये कार्यालय जिलाधिकारी जो यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं, अंदर नामांकन किए जा रहे हैं, तो वहाँ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी किया जा रहा है। साथ ही भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, देख सकते हैं भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। और पुलिस फोर्स के साथ साथ जो आप गेट देख रहे हैं उसको वाहनों से गुजारा जा रहा है, और जो प्रत्याशी हैं उनके साथ सिर्फ दो लोगों को साथ में जाने की प्रस्तावक हैं, उनको जाने की अनुमति दी जा रही है। बाकी लोगों से पूछताछ करने के बाद, चेकिंग करने के बाद अंदर जाने दिया जा रहा है। अब देखेंगे जो छोटा वाला गेट है उससे पैदल वाले लोगों को, प्रत्याशियों को गुजारा जा रहा है, तो वहीं जो बड़े वाले गेट से बड़े वाहनों को गुजारा जा रहा है। और अंदर बैरिकेडिंग के बाद जो मेन बैरिकेडिंग है उसमें सभी को रोक दिया जाता है, सिर्फ प्रत्याशी और प्रस्तावकों को अंदर जाने दिया जाता है।